आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज यानी शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस पीसी में वे बड़ा खुलासा कर सकते हैं। चर्चा है कि संजय सिंह अपनी इस पीसी में बीजेपी को लेकर कई खुलासे कर सकते हैं। 6 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने आप में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो भी निर्देश होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी वाले बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा है। बीजेपी के बेंगुरु लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए रिश्वत लेते पकड़े गए थे, आज वही पार्टी हमसे इस्तीफे की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी पूरे देश से विपक्ष की सरकार खत्म करना चाहते हैं। कभी पीएम मोदी अजीत पवार को लेकर कहते थे कि जेल भेजेंगे, लेकिन आज साथ लेकर चल रहे हैं। आज बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। संजय सिंह से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि सुनीता केजरीवाल बिना शपथ लिए सीएम का काम कर रही है, तो उन्होंने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो सबसे करप्ट पार्टी है अब वह हमें नैतिकता का पाठ सिखाएगी। हमें देश के सामने जल्दी बीजेपी का असली चेहरा लाएंगे। दिल्ली एक्सेस पॉलिसी के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में जेल में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को जमानत दी थी। ईडीसी ने संजय सिंह को इस केस में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ऐसी देश दुनिया एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टाफीड।